हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल फ्रेंड चैनल पे। मैं हूँ मेघा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू एडिटिंग ट्रिक, जिससे कि आप इस तरह की पेपर स्केच फोटो एडिटिंग कर सकते हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप इधर रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लो, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, मैं इसको पिक्सार्ट पे एडिट करूंगी, तो अगर आपने अभी तक पिक्सार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर ले, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग इसको उधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इस पिक को एडिट करूंगी तो मैं इसको पिक्सार्ट पे सेंड कर लेती हूँ। ये पिक्सार्ट पे सेंड हो गया है। अब आपको यहाँ से इफेक्ट्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एकदम लास्ट में चले जाना है और यहाँ से ये स्केचर 2 को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको हम लोग अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसको अपने पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो इस पे जो अच्छा लग रहा है मैं इसको डाल रही हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब आपको यहाँ से पेपर को ओपन कर लेना है और यहाँ से ये फर्स्ट वाला को सेलेक्ट कर लेना है। इसको भी हम लोग अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया, अब हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे एड फोटो पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हम लोग पोस्टर की जो वो ब्रेक वाली फोटो है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग इसको उधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से ऐड कर लेती हूँ। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यार, आप लोग साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो। आप लाइक करोगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगी। ये अच्छे से एडजस्ट हो गया है। अब आपको फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक फोटो लेयर बना लेना है। अब यहाँ से आप उस फोटो को फिर से ऐड कर दो। ये ऐड हो गया। अब आपको इस लेयर को सबसे नीचे कर देना है। अब आपको इस वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर हम लोग इसको यहाँ से इरेज पे क्लिक कर देते हैं। इरेज की साइज को हम लोग कम कर लेते हैं और यहाँ से हार्डनेस को भी हम लोग, ये हार्डनेस सही है, इसको हमें 70 के आसपास रख लेना है। अब यहाँ पे हम लोग ये पोस्टर के अंदर अच्छे से इरेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं इस पे एडिटिंग से रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी वीडियोज डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो। तो गाइज, आप लोग देख रहे हो ये अच्छे से एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर लेना है और यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको मर्ज कर लेना है। फिर से हम लोग इस लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से इसको मर्ज कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो ये पिक बहुत ही अच्छा एडिट हो गया है। अब आपको यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पिक आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यार प्लीज़ जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग कोई टॉपिक बता सकते हो, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।